देखिए फ्रेंड्स, ये हमने डिजाइनर स्लीव्स बनाई है। ये देखिए, हमने यहाँ पे लूप्स लगा के इसमें बटन लगा दिए हैं। ये हमने यहाँ डोरी बांध दी है, ये डोरी हमारी बन जाएगी यहाँ से ऐसे, और ये हमारी स्लीव्स बेल स्लीव्स का लुक देगी, ऐसे बन जाएगी ये देखिए। तो हम इसकी वीडियो अब स्टार्ट करते हैं, ये कैसे बनाई है हमने हम आपको बताते हैं। तो देखिए, ये हमने स्लीव्स लिए अपनी, कटिंग कर लिया हमने स्लीव्स की। अब हम इसकी सेंटर में से कटिंग कर देंगे यहाँ से। इस तरह से सेंटर में से हम कटिंग कर देंगे इसकी। ये हमारा फ्रंट साइड है, सीधा साइड है ये हमारा। तो यहाँ ऊपर से 2 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर यहाँ नीचे से यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इसमें लूप्स लगा देंगे, और देखिए एक निशान हम ऊपर से 10 इंच पे लगाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे हम अपने लूप्स लगा देंगे। देखिए, जो हमने डोरी बनाई है उसमें से ही हमने अपने लूप्स कट कर लिए, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम इनको टच कर देंगे। ये हमारा सीधा साइड है, देखिए फ्रेंड्स, ये लूप्स भी लगा दिए और ये हमने दोनों साइड डोरी लगा दिए। अब हम अपना ब्लू वाला कपड़ा लेंगे जिसकी हमें अपनी डिजाइन लगानी है। इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ ऊपर से हम लेंगे इसे 2 इंच, यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे, और नीचे हम लगाएंगे इसमें 6 इंच पे से निशान। और जितनी हमारी लेंथ है हमारी स्लीव्स की, और लेंथ हम उतनी ही लेंगे। तो हमारी जो स्लीव्स है इसकी लेंथ हमारी 16 इंच है, तो यहाँ से इस तरह से 16 इंच पे निशान लगाएंगे, 16 इंच यहाँ पे और 16 इंच यहाँ पे। इस तरह से, और इस निशान को इस 2 इंच के निशान से मिला देंगे ऐसे। अब ये हम अपनी जो हमने ये कपड़ा कटिंग किया है इसको इस तरह से रखेंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे यहाँ पे रख के, और इसमें सीधी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से पूरे में सीधी सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सिलाई लगा दी है हमने, ये देखिए इस ऐसे। अपने ये दूसरा हिस्सा लेंगे, और इसमें भी हम इस तरह से ही सिलाई लगा देंगे। इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और इसमें सिलाई लगा देंगे। इसमें भी हम सीधी सिलाई लगा देंगे ऐसे ही। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दोनों पर्दे ज्वाइंट कर दिए हैं इसमें। अब इसका इस तरह से सेंटर पॉइंट करेंगे ऐसे, और यहाँ पे सेंटर में निशान लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सेंटर पॉइंट पे हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ पे इस सेंटर पॉइंट पे रखेंगे जो हमने ये सिलाई लगाई है, इसको इस तरह से सेंटर में रख के, और यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे ऊपर से। यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा के इस तरह से सेंटर में रखते हुए यहाँ पे किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से किनारे पे रखते हुए
सेंटर में रखते हुए किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ 7 इंच के निशान तक, ये देखिए निशान लगा दिया, ये सॉरी सिलाई लगा दी हमने। अब इसी तरह से यहाँ से इस तरह इसको पकड़ेंगे और ये जो हमने लूप्स लगाई हैं इनको ऊपर की साइड ले लेंगे ऐसे, और एक सिलाई यहाँ पे किनारे किनारे पे लगा देंगे इस तरह। ये सिलाई भी यहाँ पे किनारे किनारे पे ही लगाएंगे। जहाँ पे हमने ये सिलाई लगाई थी पहले वाली वहीं तक। ये देखिए यहाँ पे हम बटन लगा देंगे दो और ये डोरियाँ हमारी बंध जाएंगी, इसमें लूप्स लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स हम इसमें कपड़े का ही लटकन लगा रहे हैं, ये हमने चौरस कपड़ा ले लिया है, इसको यहाँ पे कॉर्नर पे रखेंगे, इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी लटकन बना देंगे हम, यहाँ पे रखेंगे कॉर्नर पे ऐसे, और फिर हम इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ तिरछी इसमें सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको सीधा कर देंगे, यहाँ से इसको सीधा कर देंगे और इनको इस तरह से पकड़ के इक्वल यहाँ से कटिंग कर देंगे इसके। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ से नीचे से इसको फोल्ड करेंगे, देखिए हमने ये बटन लगा दिए हैं इसमें, अब नीचे से इसको फोल्ड कर देंगे इसकी बॉटम को इस तरह, ऐसे पूरी बॉटम फोल्ड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने यह निशान लगा दिया है, अब हम इसकी फिटिंग कर देंगे स्लीव्स की। आर्म होल मेजर करके हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। इस तरह से इसकी फिटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने इसकी फिटिंग कर दी है, तो देखिए हमारी बाजू का इस तरह से लुक आएगा। ये देखिए ये बहुत सुंदर लग रही है, ये देखिए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।